स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से समझेंगे। दोस्तों हम जानते हैं अपना स्क्वायर रूट को अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पे अंडरूट 144 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 144, और इसको हम हिंदी में स्क्वायर रूट को वर्गमूल के नाम से जानते हैं। देखिए करना क्या है आपको, बिल्कुल आसान से कुछ स्टेप करने हैं। देखिए 121 यानी दो डिजिट का पेयर बनाया और इस दिशा में आगे बढ़ना है। अंदर आपका कितना आ गया, एक सिंगल डिजिट के नंबर आ गया, वन डिजिट नंबर आ गया, कितना, वन। जब अंदर वन आया तो फिक्स है कि हम यहाँ पे अपना वन मल्टीप्लाई वन ही लेंगे, कितना आता है वन। जिस संख्या को लिया एक बार यहाँ लिखेंगे, यानी क्या किया जाता लॉन्ग डिवीजन मेथड में, देखिए यह जो संख्या है इस संख्या के आधार पर हमें एक ऐसी संख्या का चुनाव करना होता है जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी वैल्यू आ रही है, यह वाली वैल्यू क्या रहनी चाहिए इस वैल्यू के जो हमने यहाँ से लिया है, देखिए इसके बराबर या इससे कम रहनी चाहिए। देखिए वन मल्टीप्लाई वन किया, कितना आ रहा है वन, जो इसके बराबर है तो हम डायरेक्ट इसको लॉग कर देंगे। ओके, आगे कम वाले को चेक ही नहीं करना है। चलिए उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, इनको ऐड किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है, वन प्लस वन टू आ गया, वन माइनस वन जीरो आ गया, जो अगला ग्रुप है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब ये जो टू है इसके साथ हम ऐसी कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए, यानी वही कंडीशन अब किसके लिए चेक करनी, इसके लिए चेक करनी कि हमें इसके बराबर या इससे कम वैल्यू मिलना चाहिए। तो हमने इसके साथ टू लिया, टू का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 44, देखिए क्या आ गया, फिर अगेन यहाँ आपका इसके बराबर आ गया। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ लिख देना, उसके बाद माइनस किया, जीरो आ गया, आगे आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं, मतलब प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। यह जो वैल्यू लिखना है कितना, 12, यही आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट का वैल्यू है। ओके, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।